हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पोहा बनाने लगे हैं, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, हमने एक कटोरी पोहा लिया है, राई ली है, हल्दी, लाल मिर्च, सॉल्ट, कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिली और एक मैगी मसाले का पाउच। हमने जो वेजिटेबल्स ली थी उसे हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है। अब हम इसमें एक एक करके वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अनियन ऐड कर रहे हैं। अनियन का कलर जब तक पिंकिश नहीं होता था तब तक हमें वेट करना है। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे, हाफ स्पून राई ऐड कर रहे हैं, हाफ स्पून सॉल्ट, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ से भी थोड़ा सा पैकेट हमने मैगी मसाले का ऐड करना है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ग्रीन चिली जो हमने चॉप करी थी वो ऐड कर 2-3 मिनट के लिए कुक करना है। अब जो हमने पोहा लिया था उसे हमने 2 टाइम्स वॉश कर लिया, एक छन्नी के अंदर ही वॉश करा था ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो अच्छे से निकल जाए, और फिर इसे 5 मिनट के लिए हमने एक साइड पे रख दिया था। अब हम इसे जो तड़का हमारा बन चुका है उसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है क्योंकि पोहे को ज्यादा कुक नहीं करते, फिर ये क्रंची हो जाता है। आफ्टर 1 मिनट ये पोहा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। नाउ द पोहा इज रेडी। होप यू लाइक माई रेसिपी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।